चल सिद्धांत हो गया बेटा तैयार, पापा चलो मोबाइल छोड़ो। अभी थोड़ा टाइम हुआ है, सो रहे हैं। कहाँ के लिए? भैया को छोड़ने जाओगे? लेकिन हम आपको नहीं ले जा पाएंगे बेटा, ठंड बहुत है आज। दो पाँव में पहनी है, एक दो पाँव में पहनी है। हाँ दो जुराब पहनी है बट नहीं ले जा पाएंगे। फिर जामी भी पहनी है? प्लीज बेबी नो सॉरी, अब दादी के साथ रहो ठीक है। नो आप अपना डमरू बजाओ। तो फ्रेंड्स आज जो है स्कूलों में रिपब्लिक डे भी मनाया जाएगा, क्योंकि आज 25th जनवरी है और 25th जनवरी को स्कूल में मोस्टली स्कूलों में आज ही के दिन जो है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो आज सिद्धार्थ इस चीज़ को लगा के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और टाइम से ही रेडी हो गया था, और मेरे साथ थोड़ा सा जिद ये भी कर रहा है कि मैं भी चलूँगा। तो आप सभी लोगों को भी रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। बाकी आज जो है थोड़ा सा सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ कि दाढ़ी के बाल जो है नीचे से जो आते हैं सफ़ेद तो उनको कर देते हैं ऊपर से काला, तो उसी पे कुछ काम करवाना है आज। और बाकी तो सब कुछ ठीक है, मैं दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ कि ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी भी इतनी ऑलमोस्ट इतनी बड़ी भी दाढ़ी में मैं कैसा लगूँगा। बाल तो आपको पता ही मेरे कितने बड़े हो चुके हैं, एकदम बड़े बड़े कर। बहुत से लोगों को मेरे बाल पसंद आ रहे हैं, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहे, पर इसी बात है अपने को तो पसंद आ रहे हैं तो रखे। ठंड है ना बेटा बाहर बहुत, इसलिए नहीं लेके जाते। ठंड है इसलिए बाबू, बहुत ठंड है। मैं आके ना आपको खेल खेल खेलेंगे हम दोनों। नो मामा पापा प्लीज। तो मेरा बेटा ये ज़्यादातर जिद करता है कि मुझे भी लेकर के चलो। तो पापा मेरे को भी ले चलो ना प्लीज़, मुझे क्यों नहीं लेके जाते, ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं। मन तो करता ले जाओ लेकिन ठंड है यार, क्या कहाँ ले जाऊँ मैं उसको ठंड में। और वैसे भी आज मैं थोड़ा सोच रहा हूँ बाइक से चला जाऊँ, क्योंकि कुछ दिन में पैदल ही गया था। ठीक हो? चलो बैग पकड़ो। ओके वो बच्चा बोला मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। शाबाश सिद्धांत भाई। तो खा लेते हैं हम थोड़े से बादाम और साथ में अखरोट। कुछ दिन से अपना ये चल रहा है वैष्णो देवी से, जब से आए तब से हम यही सुबह सुबह मॉर्निंग में अखरोट और बादाम खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। ये देखो हाथ एकदम पूरी तरीके से झड़ चुके हैं, एकदम ठंड से बाइक पे गया था तो एकदम ऐसे झड़ रहे हैं क्या बताऊँ, बहुत बुरी तरह। तो दोस्तों अभी तो घर में बात चल रही है कि थोड़ी देर पूजा कर लेते हैं। जेनी विधि मोर परम हित होई, सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए, मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे नाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विदुर सुरपुर नरक समान, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अभी हम पूजा कर आए हैं ऊपर से, और अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ जो कि थोड़ा सा लेट हो गया है। खाता नहीं कुछ नहीं। सुबह सुबह खाना की काम जो खाते सुबह सुबह तो नहीं क्या आई मैं। तो भाई रोज की तरह हमारी मम्मी कपड़े ले गई, कपड़े हमारी मम्मी ही धोती है चाहे कुछ भी हो जाए, तो धोने ही चाहिए ना क्योंकि पता है भाभी साबुन नहीं है, तो इसलिए मैं साबुन आके धोऊंगी, कपड़े गंदे नहीं रहेंगे। दरअसल ये सच्चाई मैं कभी नहीं बोल सकता था लेकिन आज इसने कह दी है, क्योंकि वो जो है कपड़े साफ नहीं धो पाते, सीधी सी बात, बाकी सब कुछ साफ कर सकती है। तो भाई आज ये वाले फल खाएंगे हम, और पापा लेके जा रहे ऊपर। इसका बर्थडे था और ये इसने हमें बताया, ये तेरा बर्थडे था तो यहाँ क्यों नहीं आई तू? अरे मैं कल स्कूल जा रखी थी ना, तो फिर दिन में कहाँ आती। हम इसका बर्थडे मनाते नहीं, तो हम मनाते तुम्हारे दुख दूर रखे बस परमात्मा। ओ नंगा आ गया हमारा बच्चा। तो
दोस्तों हमारे बीच में अंजलि आ चुकी है और अंजलि का ही हमें इंतजार था। आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे जो शॉर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो हम सोच रहे कि थोड़ा सा शॉर्ट्स पर भी काम किया जाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा जो एक शॉर्ट्स है वो 1 लाख प्लस जो है उसमें व्यूज आ गए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है और हम थोड़ा सा शॉर्ट्स पर भी काम करने की सोच रहे। तो आप देखते रहे, अपना प्यार बनाए रखिए हमारे शॉर्ट्स पर। और ये जो एडवाइस हमें दी है वो इसने दी है, किसने कहा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट्स बनाएं, तो आप लोग इसी तरीके से हमें प्यार देते रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी अभी हम ब्लॉग को इसी तरीके से जारी रखेंगे। Yes. तो दो छुट्टियां बनाने में टाइम भी तो बहुत लगेगा। क्या कर रहे हैं ये बच्चे बना रहे हैं मुझे। तो बच्ची तो है तू अभी 18 साल की बच्ची हूँ मैं। और क्या, 18 साल की होगी तू? और क्या, कहाँ हुई अभी, कल हो गई? 17 साल 1 दिन की हुई है। अरे हो गई 17 साल, 18 साल लग गया मुझे। तो बड़ा खतरा चे रहे, यूँ बहुत खतरा चे, ध्यान रखना पड़ा बहुत। खतरा सही बना दिया भाई, बिल्कुल सीन में हमारा बहुत ही चैलेंजिंग रोल दिया है हमने इसको। इसको हमने एक सौतेली माँ की लौंडिया बनाया है। लौंडिया की बच्ची हाँ, बच्ची बनाया है हमारी ऐसी जिसमें ये दोनों भी शामिल हैं। हाँ, और इन दोनों को भी लिया है। ये बनी है सौतेली माँ, ये एक आदमी की दूसरी पत्नी बनी है। और मेरा इस वीडियो में कोई रोल ही नहीं है। ऐसे करियो, करो, अरे कर, ऐसे रोना है, मजाक में रो ना। तो हमने अपने शॉर्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। टमाटर काट रही हूँ, दाल उबल गई है, चावल धो लिए हैं और मैं इसको छौंकूंगी जल्दी से क्योंकि भूख भी लग गई है। काफी टाइम हो गया है, 3-4 घंटे तो हो ही गए हैं सुबह से। तो गाइस जैसे कि आप सबने देख ही लिया है कि हमारी भाभी कितनी मेहनती है क्योंकि इन्होंने रील भी बना लिया है, शॉर्ट्स भी बना लिए हैं, ब्लॉग भी बना लिए साथ में और साथ में खा। क्या बात है, इतनी मेहनत थी, वाओ। और एक है ये हमारे भैया, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये देखो। मैं अपने बच्चे के लिए घोड़ा बनाऊं, वो कह रहा है मेरे को घोड़ा बनाओ। अभी घोड़े बने हो, बाद में पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा आपको।